बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, महंगाई की सताई हुई आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि बिजली के बिलों में जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में अजाफा लिया जाता रहा, उसको ख़त्म करने का जो ग्रीन सिग्नल है वो वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद ख़ान की जानिब से दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन करीब ही ये जो इजाफा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में आवाम से लिया जा रहा है वो हुकूमत ख़त्म करने जा रही है। तफसीलात के मुताबिक सैनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से ऐवान में एक तहरीक जमा कराएगी। उन्होंने कहा कि जो बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में भारी रकम अवाम की जेबों से निकाली जा रही है, ये सरासर अवाम की जेब पर डाका है। बिजली के बिल तो वैसे ही इतने ज़्यादा हैं कि अवाम के पॉइंट से बाहर हैं, वो बिजली के बिल अदा ही नहीं कर पा रहे, लेकिन जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में अनोखा इजाफा अवाम से लिया जाता रहा है और लिया जा रहा है वो अवाम की बर्दाश्त से बिल्कुल ही बाहर हो चुका है। उतना बिजली का बिल नहीं होता जितना डबल मिकदार में उससे दो गुना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में लिया जाता रहा है। तो इस हवाले से वफाकी वजीर अली मोहम्मद ख़ान ने यह अंदिया दिया है कि जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा लिया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, ये अनकरीब आने वाले कुछ महीनों में ख़त्म कर दिया जाएगा। अब यह ख़त्म होता है ये नहीं, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो ग्रीन सिग्नल है वो ऐवान में पेश कर दिया गया है। हम आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता एक साल से बिजली का जो बुनियादी टैरिफ है यूनिट का वो 18 रुपये तक बढ़ चुका है। एक साल में 9 दफ़ा बिजली बढ़ाई गई है और कुल मिलाकर जो बिजली के बिलों में पर यूनिट इजाफा है पर यूनिट के हिसाब से वो 18 रुपये पर यूनिट तक पहुंच चुका है और आवाम की जेबों से 600 अरब हुकूमत वसूल कर चुकी है। अब ये इजाफा जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में लिया जा रहा है ये कब ख़त्म होगा, ये आने वाले चंद महीने कब आएंगे और गवर्नमेंट इसे कब ख़त्म करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से ये ग्रीन सिग्नल दे दिया है और आवाम को फ़िलहाल एक जो अच्छी खबर है वो सुना दी गई है कि आइंदा चंद महीनों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद को ख़त्म करके बिजली के जो जेन्युइन बिल है जितनी यूनिट यूज़ करेगी कोई भी बंदा उसी हिसाब से जो बिल है वो आइंदा माह आया करेगा जब से ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ख़त्म कर दी जाएगी। तो देखते हैं ये जो फैसला है कब अमल दरामद होता है। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मैं आपको आप तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल टॉप 5 उर्दू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।